हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, गलतियां तो हम सबसे होती है, इनफैक्ट हर कोई गलती करता है। अगर छोटी मोटी गलती हो तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई गलती इतनी बड़ी हो कि जिससे करोड़ों या बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो जाए। तो ऐसी ही इतिहास की कुछ बड़ी गलतियों के बारे में आज हम जानेंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिस्टेक नंबर 10। 2014 में एक फ्रेंच ट्रेन कंपनी ने 2000 न्यू ट्रेन्स का ऑर्डर दिया था पूरे देश में रेलवे सर्विस देने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स ने डिज़ाइन को प्रोसीड किया, ट्रेन्स मैन्युफैक्चर की और इन न्यू ट्रेन्स को शिप आउट कर दिया। ट्रेन्स डिलीवर होने के बाद फ्रेंच ऑफिशियल्स को अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। दरअसल जो न्यू ट्रेन्स थी वो काफ़ी वाइड थी, चौड़ी थी पटरियों के कंपेयर में, और ये न्यू ट्रेन्स उन रेलवे ट्रैक्स पर नहीं बैठ रही थी। सब यही सोच रहे थे आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, पर गलती तो हो चुकी थी। अब फ्रेंच ऑफिशियल्स के पास दो रास्ते थे, या तो ट्रेन्स को बदला जाए या फिर रेलवे ट्रैक्स को। उन 2000 न्यू ट्रेन्स की कीमत थी 20.5 बिलियन US डॉलर्स। तो ट्रेन्स को बदलना मुश्किल था, इसलिए हजारों स्टेशन के ट्रैक्स को रिपेयर किया गया, जिसमें खर्च हुए 68.4 मिलियन US डॉलर्स। मिस्टेक नंबर 9। 1998 में नासा ने एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया था, मतलब एक स्पेस प्रोब, जिसे मार्स की ऑर्बिट में भेजा गया था वहां के एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्टडी के लिए। ऑर्बिटर ने अपना सफर पृथ्वी से शुरू किया और कई महीनों की यात्रा के बाद ऑर्बिटर मार्स तक पहुँचा, और जिस ऑर्बिट में उसे प्लेस करने के लिए प्लान किया गया था वहां पहुंचने से 100 किलोमीटर पहले ही ऑर्बिटर ब्लास्ट हो गया। ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था बल्कि ह्यूमन एरर था। ये हादसा इंजीनियर्स की गलती से हुआ था, गलत मेजरमेंट्स यूज करने की वजह से। दरअसल ऑर्बिटर के नेविगेटिंग ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस को दो टीम्स ऑपरेट कर रही थी, और दोनों ही टीम्स ने अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम को यूज किया। एक टीम ने मैट्रिक सिस्टम यूज किया, दूसरी टीम ने इंपीरियल सिस्टम। इन दोनों टीम्स को किसी एक मेजरमेंट सिस्टम को ही यूज करना था। यूजुअली ऐसे ऑपरेशंस में मैट्रिक सिस्टम को यूज किया जाता है। तो इस गलती की वजह से नासा को 327 मिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ था। मिस्टेक नंबर 8। 2005 में स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसे जापान्स स्टॉक मार्केट एरर कहा जाता है। एक जापानीज स्टॉक ब्रोकर ने गलती से जेकॉम नाम की कंपनी की शेयर प्राइस कुछ इस तरह सेट कर दी थी, 1 yen for 6,10,000 shares। दरअसल उस ब्रोकर को शेयर प्राइस कुछ इस तरह सेट करना था, 6,10,000 yen for 1 share। उस ब्रोकर की इस गलती की वजह से जेकॉम को 27 बिलियन येन का नुकसान हुआ, जो होते हैं 236 मिलियन US डॉलर्स। और ये 236 मिलियन डॉलर्स लगभग जेकॉम की लास्ट ईयर की टोटल इनकम जितना था। बस ये समझ लो कि वो कंपनी एक साल पीछे चली गई थी। मिस्टेक नंबर 7। 1867 में रशिया ने अपनी एक टेरिटरी अलास्का अमेरिका को बेच दी थी 7.2 मिलियन US डॉलर्स में, जो आज के वक्त में यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है। इस ट्रेड डील को इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक माना जाता है। अलास्का अमेरिका को बेचने के ठीक 50 साल बाद वेस्ट अलास्का में गोल्ड पाया जाता है। उधर खुदाई करने पर वहां गोल्ड फील्ड्स मिलती है, जो क्लॉन्डी के गोल्ड रश के नाम से फेमस है। अमेरिका ने जितनी कीमत देकर अलास्का को खरीदा, उस कीमत का 100 गुना गोल्ड वहां मौजूद था। तो रशिया को अपनी इस गलती पर अफसोस जरूर हुआ होगा। मिस्टेक नंबर 6। 2015 में हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो की एक मूवी आई थी, जिसका नाम था द हेटफुल एट। और इस मूवी में मशहूर एक्टर कर्ट रसल थे, जो अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मूवी में एक सीन था जिसमें कर्ट रसल कैरेक्टर में इतने घुस जाते हैं कि उस वक्त उनके हाथ में एक गिटार होता है, वो उस गिटार को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। दरअसल वो गिटार कोई मामूली गिटार नहीं था, 1870s के जमाने का वो गिटार एक ऑथेंटिक गिटार था, जो कि एक प्राइसलेस गिटार था। फिल्म प्रोडक्शन वालों ने वो गिटार पेंसिल्वेनिया म्यूजियम से लीज पर लिया था।
कुछ दिनों की फिल्म शूटिंग के लिए, और ये बात कर्ट रसल को बिल्कुल भी पता नहीं थी। पर अफसोस, रसल के एक्टिंग डेडिकेशन की वजह से गिटार डिस्ट्रॉय हो गया। मिस्टेक नंबर 5, दोस्तों जब बिटकॉइन नया नया आया था तब शुरुआती दिनों में जिसने जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए आगे जाकर बहुत अच्छा साबित हुआ। उसी वक्त बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में वेल्च में काम करने वाले एक आईटी वर्कर जेम्स होवेल्स ने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया था और 7,500 बिटकॉइंस का कलेक्शन खरीदा था। आगे जाकर 2013 में ये 7,500 बिटकॉइंस की कीमत हो गई 7.5 मिलियन US डॉलर्स। पर अफसोस, जेम्स होवेल्स ने वो 7.5 मिलियन डॉलर्स खो दिए। दरअसल वो 7,500 बिटकॉइंस जेम्स होवेल के हार्ड ड्राइव में थे और जेम्स ने वो हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर से निकाल कर पता नहीं कहीं फेंक दी थी। बाद में जेम्स ने बहुत कोशिश की ड्राइव को ढूंढने की, पर ड्राइव नहीं मिली और 7.5 मिलियन डॉलर्स जेम्स के हाथों से निकल गए। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों इस मिस्टेक से हम सबको सीखना चाहिए। अगर आपको सही इंग्लिश ग्रामर और पंचुएशन साइंस का ठीक से ज्ञान ना हो तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। एक कैनेडियन फोन कंपनी बेल अलायंट और दूसरी कंपनी रॉजर्स कम्युनिकेशंस, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो लगभग 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का था। कॉन्ट्रैक्ट में पूरे देश के यूटिलिटी पोल्स को रिप्लेस करना था, लेकिन बेल अलायंट इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच से ही निकल गया क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स के एक सेंटेंस में गलती थी और वो गलती बस एक कॉमा की थी। तो बस एक एक्स्ट्रा कॉमा की वजह से सेंटेंस बदल गया। तो वो सेंटेंस था, दिस अग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इट इज मेड एंड शैल कंटिन्यू इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट इट इज मेड कॉमा एंड देयर आफ्टर फॉर सक्सेसिव 5-year terms कॉमा अनलेस एंड अंटिल टर्मिनेटेड बाय 1 year प्रायर नोटिस इन राइटिंग बाय ईदर पार्टी। तो इस पूरे सेंटेंस में इस सेकेंड कॉमा की वजह से बेल अलायंट कंपनी इस $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट से बचकर निकल गई, वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए। मिस्टेक नंबर 3, जब कैलेंडर फ्लिप हो रहा था 1999 से 2000 की तरफ, तब दुनिया एक न्यू मिलेनियम में कदम रखने वाली थी। तो इंग्लैंड ने इस न्यू मिलेनियम का एक अलग तरीके से स्वागत करने का सोचा और इंग्लैंड की थेम्स नदी के ऊपर एक ब्रिज बनवाया जो कि बहुत बड़ा, खूबसूरत और आलिशान ब्रिज था, जिसका नाम द मिलेनियम ब्रिज रखा गया। लेकिन न्यू ईयर में इस ब्रिज की ओपनिंग के 3 घंटे बाद ही इस ब्रिज को बंद करना पड़ा लोगों के हैवी फुट ट्रैफिक की वजह से, और एक डायरेक्शन में सबके चलने की वजह से ब्रिज हिलने लगा और बेंड होने लगा। मिलेनियम ब्रिज को बनने में ऑलरेडी 24.1 मिलियन US डॉलर्स खर्च हो चुके थे और अब जो ब्रिज में ये प्रॉब्लम आ गई थी इसे ठीक करने के लिए 6.6 मिलियन US डॉलर्स अलग से लगे। मिस्टेक नंबर 2, 2009 में चाइना के शांघाई शहर के एक पॉश इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रहा था लोटस रिवर साइड कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग थी ब्लॉक 7। ये 13 मंजिला बिल्डिंग थी जो पूरी तरह तैयार हो गई थी, बस इंजीनियर की बेवकूफी की वजह से ये अपार्टमेंट पूरा का पूरा 1 पीस में गिर पड़ा और इस अपार्टमेंट के गिरने से एक वर्कर की जान चली गई। इस बिल्डिंग की गिरने की वजह इसका फॉल्टी फाउंडेशन था। मिस्टेक नंबर 1, आप लोगों को पता ही होगा एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स थे और कुछ लोगों को ये भी पता होगा दूसरे को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक थे। दरअसल एप्पल कंपनी के 3 को फाउंडर थे, तो तीसरे को फाउंडर थे रॉन वेन। रॉन वेन के एप्पल कंपनी में 10% शेयर्स थे जिसे उन्होंने 1976 में बेच दिया और एप्पल से निकल गए। उस वक्त के हिसाब से 10% शेयर्स का उन्हें $800 मिला था। अगर रॉन वेन 1976 की जगह 2013 में अपने शेयर्स बेचते तो उन 10% शेयर्स की कीमत होती 35 बिलियन US डॉलर्स। इसका मतलब रॉन वेन आज एक बिलियनर होते। खैर, ये तो वक्त वक्त की बात है। उस वक्त रॉन वेन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी इस बुलंदी तक पहुंचेगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी मिस्टेक सबसे बड़ी लगी और किस मिस्टेक से आपको कुछ सीखने मिला नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।